स्वागत है आई सॉफ्ट गाइड चैनल में। कुछ दस्तावेजों पर यकीन करें तो राइट ब्रदर्स से ठीक 8 साल पहले 1895 में मुंबई के चौपाटी बीच पर एक मशीन ने उड़ान भरी थी, वो भी पूरे 1500 फीट तक, और जिस शख्स ने इस जादू से लगने वाले करतब को अंजाम दिया उसका नाम इतिहास की कम ही किताबों में दर्ज है। वो शख्स थे शिवकर बापूजी तलपड़े। 1864 में जन्मे शिवकर बापूजी ने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई की, जिसके बाद वो यहीं पर पढ़ाने भी लगे। कहते हैं इस दौरान वो लगातार नई चीजों के बारे में सोचते रहते थे। उनके दिमाग में हमेशा विमान बनाने का इरादा उमड़ घुमड़ करता रहता। इसी दौरान तमाम शास्त्रों को परखने के बाद उनके हाथ आया महर्षि भारद्वाज का लिखा वैमानिक शास्त्र। भारद्वाज के वैमानिक शास्त्र को दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट मैनुअल माना जाता है, जिसके सिद्धांतों के आधार पर एक नहीं कई तरह के विमानों की रचना की जा सकती है। वैमानिक शास्त्र में विमान निर्माण से संबंधित 8 अध्याय हैं। इसमें 3000 श्लोक दर्ज हैं। 96 खंडों में विमान बनाने की प्रक्रिया मौजूद है। इसके अलावा पायलट के लिए 32 तरह के सिस्टम की जानकारी होना जरूरी बताया है। कहते हैं कि तलपड़े के इस विमान को देखने और उनकी हौसला अफजाई करने उस वक्त के दो बड़े नाम भी चौपाटी पहुँचे थे, कानून के महाज्ञाता जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे और बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ इतिहास को बनता देख रहे थे। कहा तो ये भी जाता है कि महाराजा सयाजी राव तलपड़े से इतने प्रभावित थे कि लगातार उनकी आर्थिक मदद भी करते थे ताकि वो अपनी रिसर्च में लगे रहें और एक दिन देश का नाम ऊंचा करें। आसमान में उड़ान भरने वाले अपने सपने को शिवकर जी ने नाम दिया मरुत सखा, यानी हवा का दोस्त। वो हवा का दोस्त ही तो था जिसने हवा से ऐसी पक्की दोस्ती गांठी कि 1500 फीट तक उड़ गया। हैरानी सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि शिवकर बापूजी ने सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में इतिहास रच दिया था, हैरानी इस बात को लेकर भी है कि कई मिनटों तक हवा में मंडराने वाले मारुत सखा में वो बैठे ही नहीं थे। अपने सपनों की उड़ान को वो नीचे से ही नियंत्रित कर रहे थे। यानी आप इसे दुनिया का पहला विमान ही नहीं पहला ड्रोन भी मान सकते हैं। तमाम दस्तावेजों की माने तो ये पूरी घटना पुणे केसरी नाम के अखबार में छापी थी। आज तक ये साफ नहीं हो पाया है कि फ्यूल के तौर पर शिवकर बापूजी तलपड़े ने अपने विमान में क्या इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि वो लिक्विड मर्करी थी जिसने उस मशीन को 1500 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। शिवकर बापूजी तलपड़े के हवाई जहाज बनाने के ऊपर बॉलीवुड में हवाई जादा नाम की एक फिल्म भी बन चुकी है। इसके जरिए लोगों को वक्त की धूल में खोए उस व्यक्ति के बारे में बताने की कोशिश की गई थी जिसने पहला प्लेन बनाया था। हालांकि वक्त के साथ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शिवकर बापूजी की यह कहानी कल्पना है। अब इस बात का सीधे तौर पर तो कोई भी प्रमाण नहीं दे सकता है कि आखिर यह कितना सच है और कितना नहीं, किंतु कहते हैं बिना आग के धुआं नहीं उठता। और तब जब अंग्रेजों का राज था उस समय से अगर यह बात आज तक चली आ रही है तो उसमें सच होने का दम भरा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। अन्य ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।